हेलो एवरीवन तो आज हम लोग एक न्यू स्टोरी पढ़ेंगे ओके okay? तो ये स्टोरी बेसिकली है uh, तीन फिशेज की ओके द टेल ऑफ थ्री फिश इसका शीर्षक है ओके okay? तो इसको पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि स्टोरी में क्या है और कैसे इसमें वर्ड्स यूज किए गए हैं ओके okay? जिससे हमारी इंग्लिश अच्छी हो ओके द फर्स्ट वन इज इन लेक की एक लेक में आपको मैंने बताया था लेक एक वाटर बॉडी होती है वाटर बॉडी मतलब इसके अंदर पूरा पानी भरा होगा और चारों तरफ से यहाँ पे क्या होता है लैंड एरिया होता है तो जैसे सपोज एक रिवर निकल रही है इसके बगल से तो बाई चांस वो रिवर का फ्लो बहुत अच्छा होगा तो ये लेक बना के वो चली गई और ग्रेजुअली वो पर्टिकुलर रिवर सूख जाती है या उसे सेपरेट हो गई तो ये पर्टिकुलर लेक बन जाती है okay? तो इन लेक दे व थ्री फिश हु तो वहां पे तीन मछलियां थी थ्री फिश अब यहाँ पे फिश सिर्फ क्यों लिया गया है इसका एक रीजन है कि फिश को प्रूरल में भी हम फिश बोलते हैं ओके मछलियां तब भी हम उसको फिश बोलेंगे ठीक है जो कि तीन फिश थी जो बहुत ही दे व ग्रेट फ्रेंड्स यानी कि वो लोग बहुत अच्छी दोस्त थी फर्स्ट फिश वॉज वेरी स्मार्ट जो पहली फिश थी यानी कि वन टू थ्री जो ये फर्स्ट फिश थी बहुत स्मार्ट थी बहुत इंटेलिजेंट बोल सकते हो द सेकेंड वन न्यू हाउ टू फाइंड हिस्स वे आउट ऑफ ट्रबल तो जो दूसरी वाली थी उसको पता था कि कोई भी मुश्किल आ जाए जैसे ट्रबल का मतलब कोई भी मुश्किल आ जाए तो उससे कैसे निकलना है ठीक है और जो थर्ड फिश थी शिवर्स क्विट एडमैंड ओके इट वॉज ऑय शिवर्स तो एडमेंट इसलिए कहा गया एडमेंट का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है ओके उसको आप कुछ भी बोल दो बता दो वो इंसान चेंज होएगा ही नहीं उसको ये लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ सही है और मतलब बिल्कुल बदलना चाहता ही नहीं है वो इंसान वो एडमेंट होता है एंड अनहेटेड चेंजेस तो अगर आप देखोगे ये एक तरीके की ट्रिक भी कह सकते हो या फिर इसको आप प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बोल सकते हो कि देखिए लिखा है ना थर्ड विश वॉज थर्ड वन वॉज एडमेंट एंड हेटेड चेंजेस तो हेटेड चेंजेस को ही आप कह सकते हो ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही स्थिर है मतलब आप बोल सकते हो कि उतना ऑल्टर करने के लिए नहीं बना है यानी चेंजेस करने के लिए नहीं बना है तो देखिए इसके बाद हेटेड चेंजेस लिखा है तो आप समझ सकते हो कि कैसा इंसान ही होगा अगर एडमेंट का मतलब भी नहीं जानते होगे और मीनिंग्स होंगी ऑप्शंस होंगे तो आप पता लगा सकते हो गे? द फर्स्ट फिश अ ओवरहर्डरमैन कन्वर्जेशन फिशरमैन कौन होते हैं एक तरीके से आप बोल सकते हैं जो फिशेस को पकड़ते हैं तालाबों से और बिजनेस करते हैं ठीक है फिशेस बेचते हैं लोग खाते हैं तो ओवरहर्ड मतलब कि जब वो कोई बातें कर रहा होगा तो उसने सुन लिया होगा इस फिश ने फर्स्ट फिश ने उसकी कन्वर्जेशन कन्वर्जेशन मतलब बातचीत जो हो रही थी अबाउट कमिंग बैक द नेक्स्ट डे एंड फिशिंग इन द लेक कि उस वो क्या बातें कर रहा था कि वो फिर से आएगा अगले दिन आएगा ओके और वो फिशिंग इन द लेक यानी कि फिश को नेट में भर के लेगा जिस फिशिंग होती है ओके सेंसिंग डेंजर तो जब उसने देखा कि हाँ कुछ डेंजर यू नो सेंस कर लिया उसने सेंस uh, ऑर्गन्स आप जानते हो ना सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे पांच सेंस ऑर्गन्स होते हैं ओके सेंस का मतलब पता लगा लेना कि हाँ ऐसे कि डेंजर है कहीं पे बहुत आ, मतलब उसके लिए नहीं सही है वो सिचुएशन हिज फ्रेंड्स टू मूव आउट ऑफ द लेक उसने चेतावनी चेतावना दे दी हाँ और सबको बता दिया क्वेश्चन का मतलब कि हाँ बता दिया कि यू नो डेंजर है तो आप देख सकते हो कि अगर आपको इंग्लिश ठीक से आती भी नहीं है तो जैसे सेंसिंग डेंजर तो आप अपने इमेज बना सकते हो कि हाँ डेंजर वर्ड लिखा है यानी कि खतरा से देख कर ही कॉशन क्वेश्चन यानी कि अपने फ्रेंड्स को बोल देना कि भैया डेंजर है संभल के रहना है ठीक है टू मूव आउट ऑफ द लेक यहाँ से निकल जाओ उसने एक चेतावनी दे दी तो आप देख सकते हो कैसे आप समझ सकते हो सिर्फ वर्ड्स को यूज करके जैसे डेंजर एक नेगेटिव वर्ड होता है तो कैसे पूरा सेंटेंस भी नेगेटिव है तो उससे आप समझ सकते हो अगर आपको क्वेश्चन की मीनिंग भी नहीं आती थी तो लेकिन ये पूरा सेंटेंस देख के आप समझ सकते हो कि हाँ इसका मतलब यही होगा ओके तो फिर द सेकेंड फिश सेड तो फिर दूसरी जो फिश थी उसने कहा कि आई विल स्टे कि मैं यहाँ पे ही रहूंगी एंड फाइंड अ वे आउट इफ आई एम कॉट और लेकिन मैं कोई तरीका निकाल ही लूंगी अगर मेरे को उसने पकड़ लिया जैसा आपने पता चला था ना देखिए सेकेंड फिश ने बोला था कि मेरे उसको पता था हाउ टू फाइंड इज वे आउट ऑफ ट्रबल कि अगर वो एक ट्रबल सिचुएशन में आ गई है तो वो कैसे अपने आप को निकाल सकती है तो उसने यही चीज बोला थर्ड फिश का क्या था थर्ड फिश आई 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 डोंट टू मूव आउट विल विल रिमेन एंड इफ गेट कॉट तो वो बिल्कुल चेंजेस को एक्सेप्ट करने वाली थी नहीं थर्ड फिश ने कहा जैसा होगा देखा जाएगा और अगर मैं कॉट किसी ने मुझे पकड़ लिया तो ठीक है पकड़ लिया मैं क्या कर सकती हूँ द फर्स्ट फिश मूव आउट तो फर्स्ट फिश बहुत स्मार्ट थी और तुरंत भाग गई ओके वो उस पर्टिकुलर लेक से अपना कहीं और चली गई होगी ठीक है अगले दिन क्या हुआ द नेक्स्ट डे द फिशर मैन अराइव एंड कॉट द अदर टू फिशेज तो ये जो दो फिशेज बची थी एक तो चली गई थी क्योंकि वो बहुत स्मार्ट थी ओके okay? तो वो तो उसने अपना रास्ता बना लिया फिर जो दूसरे दिन क्या हुआ कि दो फिशेज फंस गई यानी सेकेंड और थर्ड वाली फंस गई द सेकेंड वन क्लेवरली एस्केप्ड बाय प्रिटेंडिंग टू बी डेड तो उसने चालाकी से क्या किया उसने अपना पीछा छुड़ा लिया कैसे कि उसने दिखाया प्रिटेंड किया मतलब एक तरीके से कहते नहीं है नकली पने से एक्टिंग करके कि वो मर गई है तो वो मछली ऐसे करके नॉर्मल हो पड़ी होगी और फिर फिशर मैन ने सोचा होगा तो कि, कि ये तो मरी ही है इसको हटा दो तो उसने हटा दिया होगा इससे उसकी लाइफ बच गई ओके द थर्ड फिश डिड नथिंग थर्ड फिश कुछ करा ही नहीं उसने सिचुएशन जो थी वहीं पे ही अटकी हुई ना उसने कुछ इधर देखा ना उधर ये भी नहीं देखा कि हाँ सेकेंड फिश जैसे कर रही है वैसे ही कर दो ताकि बच जाए गॉट कॉट और फिर वो पकड़ी गई एंड डाइड और फिर वो मर गई क्योंकि पानी से बाहर निकाल लिया जाएगा तो वो मरी जाएगी ओके मॉरल ऑफ द स्टोरी से हमें शिक्षा क्या मिलती है वन शुड ऑलवेज बी ओपन टू चेंज एंड अडेप्ट अकॉर्डिंगली कि हम एक इंसान को हमेशा क्या करना चाहिए ओपन अप टू चेंजेस जैसे सपोज करिए अगर आप चेंजेस नहीं एक्सेप्ट करोगे तो चेंजेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और इस वर्ड में सब कुछ वेरिएबल है यानी सब कुछ चल रहा है लेकिन एक चीज को कांस्टेंट बोला जाता है जो कि होता है चेंज यानी चेंज होता ही रहेगा ओके एंड अडेप्ट अकॉर्डिंगली और उसी के अकॉर्डिंग जैसे अगर हमें स्मार्टफोन नहीं आता है कैसे चलता है ओके okay? तो हमारे को पता है कि हमारे पास जर्नल्स मिल जाएंगी हमें यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे हमें बहुत सारे चीज़ें मिल जाएंगी जिससे हम ये सीख सकते हैं तो आप सीख के आप ये चलाना सीख लीजिए तो आपके लिए तो ब्लेसिंग ही है ये लेकिन अगर आप कहते हो नहीं मैं नहीं सीखूंगा मेरे को नहीं एक्सेप्ट है ये स्मार्टफोन ला वैसे सबको ही एक्सेप्टेबल है तो अगर आप ये करोगे तो क्या होगा आप खुद ही वो चेंजेस अडॉप्ट नहीं करोगे एक टाइम पे आप आपको ही प्रॉब्लम पड़ेगी टेक इमीडिएट एक्शन तुरंत एक्शन लेना चाहिए इमीडिएट मतलब तुरंत वैन यू सेंस डेंजर जब भी आपको कुछ खतरा लगे तो तुरंत एक्शन लेना चाहिए तो इसका मतलब जैसे कि यह फर्स्ट फिश थी इसको बहुत अच्छे से पता था उसने सतर्क भी कर दिया था जैसे आपने देखा कोविड नाइन्टीन की सिचुएशन में सब सबको कहा गया मास्क लगा के रहो और चीज़ें लो और सैनिटाइजर रखो बट पीपल व लाइक नो नहीं करना है ये सब ये सब कुछ होता ही नहीं है ग्रेजुअली उन्हीं को पड़ा उन्हीं को मार पड़ी और शायद बहुत से इनोसेंट लोगों को जो इनके चपेट में आए ओके तो ये थर्ड फिश की तरह है लोग हैं तो आपको ये थर्ड फिश कतई ही नहीं बनना है आपको फर्स्ट फिश बनना है तुरंत जो हो उसको एक्सेप्ट करो उसके साथ चलते जाओ सेकेंड फिश ठीक ठाक लोग बन सकते हैं और सेकेंड फिश बनना भी इट्स इट्स लाइक बींग इन मिड एंड मिडिल क्लास आप जानते हो हमेशा रोता है तो एक तरीके से समझ रहे आपको स्मार्ट ही बनना चाहिए तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और जैसे इंग्लिश होती है इंग्लिश में आप कोई भी चीज़ देखो आप रिलेक्टेंट ना हो कि नहीं मैं नहीं सीख पाऊंगा वो आप जरूर सीख सकते हो इट्स वेरी इजी इट्स नॉट कि बहुत बड़ी चीज़ हो ऐसा होता तो आज बहुत से लोग बोल भी ना पाते ओके okay? तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई और इससे आपको बहुत ही प्रेरणा मिली कोई भी प्रॉब्लम हो कुछ भी हो यू कैन कमेंट बिलो यू कैन प्लीज 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल ओके एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू इच एंड एवरी वन जिसने सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को तो थैंक यू वेरी मच आई होप यू लाइक द वीडियो और आपको समझ में आए बहुत से वर्ड्स थैंक यू डू कमेंट ऑल्सो ओके